हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो अपन पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट में अपने प्रीवियस क्लास में किया था आइडियल गैस इक्वेशन। अब उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज स्टोइकोमेट्री। अब स्टोइकोमेट्री क्या होती है कि मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। लेट्स से अपन ने कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी, आपने कोई केमिकल रिएक्शन लिख दी ऐसे, ठीक है ना। आपने लिख दिया, मान लो आपने रिएक्शन लिख दी M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D। इस तरीके की कोई भी रिएक्शन लिखी रहती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में जो A एंड B है, ठीक है, A एंड B, ये A एंड ये B, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। C एंड D, ये दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं अपन, ये जो M1, M2, M3, N2 ये लिखे अपन ने, ये क्या चीज है, M1, M2, M3 है ना। तो यहां पे अगर अपन लिखें A एंड B, तो A एंड B दोनों क्या चीज है, रिएक्टेंट्स। ये दोनों रिएक्टेंट्स। C एंड D, ये दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट्स। तो अब अपने को ये तो पता चल गया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है। अब उसके बाद ये जो अपने लिखे M1, M2, N1, N2, ये क्या चीज है, इनको अपन बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट्स, ठीक है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट्स क्या होते हैं, वो किस चीज को डिनोट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अपने को देखना है, ठीक है ना। तो ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है वो अपने को रिप्रेजेंट करते हैं किसका, मोल रेशियो। ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मोल रेशियो। मोल रेशियो का मतलब क्या हुआ, मोल रेशियो भी बोल सकते हो आप इनको, ठीक है ना। मोल रेशियो या फिर इनको आप बोल दो मोलिक्यूल्स रेशियो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मोल रेशियो मोलिक्यूल्स रेशियो का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई रिएक्टेंट लिया ए एंड बी, ठीक है, और उस रिएक्शन में अपने को फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट सी एंड डी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के कितने मोल, M1 मोल, ए के कितने, M1 मोल, M2 मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सी के कितने मोल, N1, और डी के कितने मोल, N2 मोल प्रोड्यूस होंगे, इसका मतलब ये हुआ। और ये रेशियो किसका है, मोल रेशियो है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इनका जो मोल रेशियो है ए रेशियो बी, तो वो कितना होगा, M1 रेशियो M2, ठीक है। और अगर अपन सी और डी प्रोडक्ट की बात करें तो ये भी सेम ही होगा, सिमिलर सी एंड डी, तो N1 रेशियो कितना, N2, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब इसको अपन एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरीके से क्या होगा, ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सिंपल एक अपन कोई भी रिएक्शन लिखते हैं। लेट से आपने कोई रिएक्शन लिखी, वेरी सिंपल रिएक्शन आपने लिखी, कि इस आपने रिएक्शन लिखी H2 प्लस N2 गिव्स NH3। ये आपने रिएक्शन लिखी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो बैलेंस करेंगे इसको, तो बैलेंस करने के लिए आपने लिख दिया ये 2NH3 और इधर आपने लिखा 3H2, ठीक है। 3H2 प्लस N2 गिव्स 2 अमोनिया, ये आपने बैलेंस रिएक्शन लिख दी, ये रिएक्शन बैलेंस है। तो बैलेंस रिएक्शन लिखी आपने। अगर मैं बात करूं कि इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है कितना है, हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट 3, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, तो हाइड्रोजन का कितना 3, N2 का कितना 1, अमोनिया का कितना 2। तो ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है 3 1 2, ये किसको डिनोट करते हैं, मोल रेशियो को। मोल रेशियो को डिनोट करने का मतलब ये हुआ कैसे, कि अगर आप बोलोगे इफ 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ हाइड्रो नाइट्रोजन, देन 2 मोल ऑफ NH3H प्रोड्यूस्ड। बात समझ आई, कि ये बोल रहा है कि अगर 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं किसके साथ, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ, तो अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 2 मोल प्रोड्यूस होंगे अमोनिया के, यानी कि 3:1:2 है। तो ये रेशियो है, हो सकता है कि नंबर कुछ भी हो, बट ये रेशियो कितना रहने वाला है, 3:1:2, और ये किसका रेशियो है, मोल रेशियो का। तो मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर आपने मोल लिखे, तो मोल में आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 मोल
इसका 1 मोल, तो इसके कितने प्रोड्यूस होंगे, 2 मोल। या फिर अगर आप मोल में ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर आपने इसके हाइड्रोजन के 3 लिए है ना, तो इसके अगर आपने 6 मोल लिए हाइड्रोजन के, तो इसके कितने, 2, तो इसके कितने प्रोड्यूस होंगे, 4। तो रेशियो मेंटेन रहना चाहिए कितना, 3:1:2, ये जो रेशियो है वो है, ये मोल का रेशियो लिख सकते हो। आप मास में ऐसा नहीं लिख सकते कि इसका कितना, इसका 3, इसका 1 ग्राम और इसके साथ कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 2 ग्राम। तो ये ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है, किसके केस में, मास के केस में। अपन किसके लिए लिख सकते हैं, मोल के केस में ऐसा लिख सकते हैं। ये रेशियो किसके लिए होगा, मोल के लिए, ये मास के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला रेशियो वर्क नहीं करेगा, ये किसके लिए वर्क करेगा, ओनली फॉर मोल के लिए। ठीक है, जैसे इसी रिएक्शन को अपन दोबारा लिखते हैं कि आपने लिखा 3H2+N2 gives 2NH3। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ध्यान से देखना क्या क्या करेक्ट है। आप ऐसा मोल का रेशियो कितना लिख सकते हो, 3:1:2, तो ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आप मॉलिक्यूल का रेशियो लिखोगे, मॉलिक्यूल्स का रेशियो, तो वो भी आप कितना लिख सकते हो, 3:1:2, क्या ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। अब बात आती है अगर अपन लिखें वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम का आप रेशियो लिख सकते हो 3:1:2, क्या ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बट इसमें ध्यान रखना एक कंडीशन है, ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये गैस जो वॉल्यूम वाली बात वैलिड होगी वो किसके लिए होगी, ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कोई सॉलिड या फिर लिक्विड आ गया तो उसके लिए फिर आप वॉल्यूम का रेशियो ऐसा नहीं लिख सकते। चलिए अब अपन बात करते हैं मास की। ठीक है, क्या मास में अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इसका 3 ग्राम, इसका 1 ग्राम और इसका कितना, 2 ग्राम, क्या ऐसा लिख सकते हैं अपन, ऐसा मास के लिए अपन नहीं लिख सकते, ये बात वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर मोल के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, वॉल्यूम के लिए। बट वॉल्यूम के ध्यान रखना क्या होना चाहिए, गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ही वैलिड है। ठीक है, मास की बात ऐसा अपन वैलिड नहीं लिख सकते। अब बात आती है अगर मास आ जाए तो क्या करेंगे, तो अगर अपने को कहीं भी मास वगैरह दे दिया तो पहले अपन उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर अपन स्टोइकोमेट्री उस रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अपन इसका एक एग्जांपल करके चलिए। तो ये एग्जांपल है अपने पास, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 10 मोल ऑफ अमोनिया। तो अब देखो सीधी सी बात है यार, यहां पे अपने को इस तरीके का जब भी मोल मोल कुछ रिलेशन पूछा जाए तो अपने को चाहिए पहले रिएक्शन, और कैसी रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन। तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन करोगे तो अपने को यहां पे इसने बोल दिया, क्वेश्चन में हिंट मिल गया अपने को कि क्या मिलेगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, तो आपने रिएक्शन लिखी NH3, इससे आपको मिला N2 एंड साथ में आपको मिला हाइड्रोजन गैस, ये लिख दिया। अब चेक करते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सेकंड चीज अपन चेक करेंगे इस रिएक्शन की बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग करने के लिए आपने इसको बैलेंस किया, तो ये अपने पास रिएक्शन जो थी वो इस तरीके से हो गई, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इस रिएक्शन को बैलेंस होने के बाद अब अपने को अमोनिया के मोल दे दिए कितने, 10 मोल दे दिए, और अब अपने से पूछा गया है कि नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब सिंपल सी चीज है, अब अपन बात करते हैं स्टोइकोमेट्री की। स्टोइकोमेट्री से अपन देखेंगे कि किस तरीके से इसको आगे प्रोसीड करना है। इधर देखो, स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग इसके 2 और इसका रेशियो कितना है, 1, और इसका 2 रेशियो इधर कितना है, 3 है। तो अपन ऐसे बोले इसको सिंपल यूनिटरी मैथमेटिक्स से कि अगर आप लिखोगे 2 मोल NH3 लिया, तो 2 मोल ऑफ NH3 से कितना बनेगा, 1 मोल ऑफ N2 मिलेगा। ठीक है जी, अगर आपने इसका 1 मोल लिया तो 1 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा, 1/2, और इसके कितने मोल है, 10 मोल्स, तो 10 मोल्स है, तो 10 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा, 10 मोल से प्रोड्यूस होगा 1/2 × 10, यानी कि कितना, 5 मोल्स ऑफ किसके, N2 के। तो N2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 5 मोल्स।
अब सिमिलर आप ट्राई करो इसको हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पे कितना रेशियो है NH3 और H2 का, कितना है भाई 2:3। अगर आपने इसका 1 लिखा तो 1:1 कितना आ जाएगा 3/2। अब इसका कितना गिवन है आपको 10, तो इसके लिए अपन 10 लिख देंगे, तो कितना होगा 3/2 × 10, तो वो कितना आ जाएगा 15 मोल्स। तो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे 5 मोल, और हाइड्रोजन के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे 15 मोल्स। आप इसको यहां से भी रिलेट कर सकते थे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, इन दोनों का रेशियो कितना है 1:3, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है 1:3, यानी कि इसके 5 तो इसके कितने 15। तो आप ऐसा भी प्रोसीड कर सकते हो, तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहां पे तो अपने को सिंपल गिवन था, इसके भी मोल गिवन थे, ठीक है, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के भी क्या पूछा था अपने से, मोल्स पूछा था, तो डायरेक्ट अपन ने प्रोसीड कर लिया इस क्वेश्चन को सिंपल स्टाइकियोमेट्री से, मोल मोल अपन ने खेल लिया। अब बात अगर अपन करते हैं कि अगर आपको मोल गिवन नहीं हो, कुछ मास वगैरह गिवन हो, तो फिर अपन उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे अपन उसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो इस बार अपने पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोरीन का कितना मास प्रोड्यूस होगा किससे, 146 ग्राम ऑफ HCl के डिकम्पोजिशन से, तो ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो अपने को रिएक्शन लिखनी होगी, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आपने रिएक्शन लिखी, तो आपने रिएक्शन लिखा HCl, और आपने HCl से डिकम्पोजिशन से रिएक्शन लिख दी H2+Cl2, ये रिएक्शन लिख दी, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि H2 और Cl2 तो मिल गया, क्या रिएक्शन बैलेंस है स्टेप नंबर 2, तो वेरी गुड, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए आपने सिंपल लिख दिया ये 2, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब अपने को पता है कि इनके अगर आप मोल का रेशियो लिखोगे तो वो कितना है 2:1, कितना 1, ये है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, HCl के कितने से H2 और कितना Cl2 प्रोड्यूस होगा। अब HCl के मोल नहीं गिवन है, आपको लिखा है कितना 146 ग्राम, वेरी गुड। अब अपन 146 ग्राम से पहले इसके मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, डायरेक्ट अपन मास में स्टोइकोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर अपन मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो HCl के मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास 36.5, तो ये कितने मोल्स आ गए 4 मोल्स, HCl के कितने मोल 4 मोल। अब अपन देखते हैं HCl के 4 मोल आ गए तो H2 और Cl2 कितना प्रोड्यूस होगा। तो अब अपन सिंपली इनका रिलेशन तो जानते हैं स्टोइकियोमेट्री से कि HCl और H2 का कितना रेशियो है 2:1 है, तो इसका 1 तो ये कितना 1:2, तो ये 4 है तो ये कितना होगा 1/2 × 4, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन इनका भी रेशियो जानते हैं, Cl2 का रेशियो भी कितना है 1, तो ये कितना 1/2, तो यहाँ से Cl2 भी कितना प्रोड्यूस होगा 1/2 × 4, यानी कि कितना 2 मोल। अब अपने को मोल पता चले हैं, अब अपने से अगेन इनका क्या पूछा है मास, तो मास के लिए फिर यही कि मास ऑफ हाइड्रोजन, तो वो अपन ने मोल में लिखा था नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने 2, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 ग्राम। अगर अपन मास ऑफ Cl2 लिखेंगे तो वो कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स 2 × मोलर मास क्लोरीन का कितना भाई 71, तो ये कितना आ गया 142 ग्राम। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना होगा कि जब भी अपने को मास दे दिया जाए तो पहले उसको अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें मोल में, फिर उसके बाद जो भी अपने से पूछा जाए तो वो अपन पहले उसको मोल में कन्वर्ट करना ही होगा अपने को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अपन एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं इसमें। चलिए
तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 10 kg कैल्शियम कार्बोनेट। तो वही बात फिर अपने को पहले ही सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इसकी रिएक्शन तो पता होनी चाहिए कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा। तो ये जो अपन रिएक्शंस लिख रहे हैं जनरली वो कॉमन रिएक्शंस हैं, अगर कहीं एग्जाम में कोई उल्टी पुल्टी इक्वेशन आती है तो आपको दी होगी, ठीक है ना। बाकी आप रिएक्शन पढ़ते जाओगे वैसे वैसे अपने को और प्रैक्टिस होती जाएगी। तो अगर इसका अपन लिखें कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, तो वो क्या रिएक्शन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट इसका अगर थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो अपने को कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड मिलेगा और साथ में CO2 गैस मिलेगी। अब इसका वॉल्यूम अपने को पूछा है कि CO2 का कितना प्रोड्यूस होगा और इसका अपने को दिया हुआ है 10 kg मास। अब देखो स्टाइक्योमेट्री हमेशा मोल में चलती है, तो मोल तो अपने को कहीं भी गिवन नहीं है, मास दिया है, CO2 गैस का वॉल्यूम पूछा है किस पे, STP पे। तो सबसे पहले तो फिर अपना टास्क होगा मोल्स कैलकुलेट करना। तो चलिए मोल्स कैलकुलेट करें, तो क्या 10 kg CaCO3 इसका मोलर मास कितना भाई, CaCO3 का मोलर मास 100, क्या ये सही लिखा है, नहीं बिल्कुल गलत। ये 10 kg है तो ये इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1000। अब इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे भैया, 100 मोल्स आ गए किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। अब इसके मोल 100 आए कैल्शियम कार्बोनेट के और पूछा गया है आपसे CO2 का वॉल्यूम, तो क्या करें, पहले तो मोल मोल रिलेशन लिखें, तो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे 1:1 कितना है, 1 है ना, CO2 के मोल कितने, 1:1। तो अगर अपन यहाँ पे लिखना चाहें कि मोल्स ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड तो वो कितने आ जाएंगे, 1:1 है तो 1 से 1 तो 100 से कितने, 100। अब वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP, तो STP पे वॉल्यूम लिखने का फॉर्मूला अपने पास है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, ठीक है, गैस इक्वेशन में अपने पढ़ा था पिछली बार, ठीक है। तो ये आएंगे नंबर ऑफ मोल्स 10 इंटू 22.4, तो ये कितना आ गया, 224 लीटर। तो CO2 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, 224 लीटर, इस तरीके से। तो अब अपने जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो अपने सब बना लिए, मोल से मोल सबसे सिंपलेस्ट, मास से मोल या मास से मास, मास से वॉल्यूम गैस का, तो इतने कॉम्बिनेशन अपने पास इसके बैठ सकते हैं, वो अपन ने कर लिए, ठीक है। तो ये है स्टोइकोमेट्री